अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नामदेव समाज के द्वारा भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्थानीय आरएस पैलेस में आयोजित किए गए कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में नामदेव समाज के वरिष्ठ लोगों की मौजूदगी रही। आयोजन में अतिथि के रूप में युवा भाजपा नेता सिद्धार्थ मलैया मौजूद रहे और उन्होंने अपनी बात रखी। भारतीय महिला तो बैंक भी है, कामधेनु भी है, गंगोत्री भी है और अमरकंटक भी है, उद्गम स्थल है, जीवनदायिनी है। हम लोगों के भाग में वो चीजें नहीं आ सकती जो आपके भाग में है, ईश्वर प्रदत्त है। नामदेव समाज का कार्यक्रम है, आपने बहुत खूबसूरती से उसे आयोजित किया, बहुत कम समय में आयोजित किया। मैं समाज के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष काकी जी और सभी आयोजनकर्ताओं को उसके बधाई देता हूँ कि एक आपने ये कार्यक्रम आयोजित किया, मेधावी छात्राओं को प्रोत्साहित किया, समाज में वो चरित्र सामने लेके आया जो संघर्षशील है। और संघर्ष तो हमेशा ही संघर्ष का ही शौर्य है। कैसे असमय जीवन साथी साथ में खो दें और परिवार की जिम्मेदारी हो और उसे भी हंसते खेलते पूरा कर लें, खुद अनपढ़ रहकर भी बच्चे पूरे पढ़ लेके जाएं, उनके पास हर वो मौके उपलब्ध हों जो किसी साधन संपन्न लोगों के पास होते हैं, यही संघर्ष है। ऐसे उदाहरण सामने आप लेके आए, ऐसे लोग जिन्हें यहाँ से पुरस्कृत किया गया इस मंच से, मैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ। आपके बीच में आके बहुत में कोई नई बातें हैं, कोई बहुत विशेष बातें नहीं कह सकता। एक माँ से कोई क्या विशेष बात कह सकता है जो 9 महीने कोख में रखते हो, जिसके विभिन्न तरह के किरदार हो और किरदार बदलते रहते हो। बेटी पराई हो जाती है, बेटी पत्नी हो जाती है, बेटी माँ बन जाती है, बेटी बहू बनती है, बेटी का एक समय आता है जब वो सास भी बनती है और इसलिए वो सीरियल भी आया था। तो इतने सारे रोल, इतने सारे किरदार भारतीय संस्कृति के अंदर आप सब निभाती हैं। आप सबके शौर्य, आप सबके हौसले को प्रणाम। आप जीवनदायिनी हैं, आप हमारी प्रेरणा का केंद्र हैं। अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छी बात यहाँ से कही, मैं ये मानता हूँ कि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो उसको अपनी बेटी को पढ़ाना भी होगा, संरक्षित भी करना होगा और उसे परवरिश पोषित करना होगा।